Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, प्रयागराज में सनसनीखेज विधायक राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल व उसके गनर के गोली मारकर हत्या की वारदात में मुख्तार अंसारी गैंग के शूटर भी शामिल था। आजमगढ़ में जहानागंज थाना की पुलिस ने मुख्तार अंसारी गैंग के शूटर को गिरफ्तार किया है, तो वही पहले से गैंगस्टर का अभियुक्त भी है। जिला बदर घोषित होने के बाद भी वो अपने गांव में ही रह रहा था, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। प्रयागराज में हुई उमेश पाल की हत्या में बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी के बेहद करीबी शार्प शूटर श्याम बाबू पासी का नाम सामने आने के बाद पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं हरकत में आ गई है। बुलंदशहर कारागार में निरोध कुख्यात अपराधी श्याम बाबू पासी पर उमेश पाल हत्याकांड में शूटर मुहैया कराने की खबर मिली थी। एसटीएफ को मिले बड़े इनपुट के बाद बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी हरिकेश यादव को पुलिस ने उठाया है। माफिया मुख्तार अंसारी का करीबी व श्याम बाबू पासी का गुर्गा हरिकेश यादव जहानागंज थाना क्षेत्र के मोहासिन गांव का निवासी है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि जनपद में प्रदेश स्तर पर चिन्हित अपराधी व माफिया गैंग 5 साल में प्रकाश में आए हुए शूटरों के विरुद्ध गिरफ्तारी दबिश व सत्यापन का अभियान चल रहा है। इस अभियान के दौरान पुलिस ने मंगलवार को जिला बदर व हिस्ट्री सीट हरिकेश यादव को गिरफ्तार किया है। वहीं मुख्तार गैंग से जुड़ा है। 2014 में तरवा क्षेत्र में मुख्तार अंसारी गैंग से मिलकर एक हत्या की घटना को अंजाम दिया था। 2020 में उस पर गैंगस्टर लगा था, उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कई अन्य थानों में भी कई लोगों को हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ की जा रही है। तो इस कड़ी में बड़ी खबर उमेश पाल हत्याकांड को लेकर आ रही है, जहां पर अतीक अहमद के गुर्गों के साथ मुख्तार अंसारी के भी गुर्गों का नाम आ रहा है। और इस कड़ी में एक गुर्गा जो है वो कहीं ना कहीं गिरफ्तार हुआ है, और वो भी आजम गढ़ से। तो बड़ी खबर थी इस मामले को लेकर, मुझे लगा आपसे को बताना चाहिए। तो अपडेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।